दोस्तों आज ही हमारे सामने एक स्टार डेल्टा स्टार्टर है और इस स्टार डेल्टा स्टार्टर में कभी कभी हमारे ये प्रॉब्लम आती है। कभी हम जैसे नया स्टार्टर लगाते हैं फिर किसी पुरानी मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर को ही वापस से बनाते हैं तो उस समय हमारी ये प्रॉब्लम आती है। हमारी जो मोटर है वो स्टार में तो चल जाती है पर जैसे डेल्टा लगता है, जैसे हमारा जो डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर इसमें जो होगा वो डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर जैसे भी लगेगा हमारी जो है मोटर अपने आप ट्रिप हो जाएगी। तो दोस्तों बार बार ऐसा क्यों होता है? वो होता है दोस्तों हम जो स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते हैं, जो हमारा स्टार डेल्टा जो हमारी मोटर को कनेक्ट कराते हैं वो हम गलत तरीके से कनेक्ट करा देते हैं तो वो इस वायरिंग के ऊपर होता है। तो वो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर, हमारी जो मोटर होती है वो स्टार्ट कैसे होती है वो आपको बताता हूं। तो जैसे हमारे ये जो तीन कॉन्ट्रेक्टर लग रहे हैं ये तीन कॉन्ट्रेक्टर स्टेप बाय स्टेप लगता है। सबसे पहले हमारा जो लगता है, आपको जैसे पता है कि हमारा स्टार कॉन्ट्रेक्टर में मोटर चलती है। स्टार कॉन्ट्रेक्टर आपको कैसे पता चलेगा कौन सा है? यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे इन तीनों को शॉर्ट कर रखा है तो ये हमारा स्टार कॉन्ट्रेक्टर। तो स्टार्टिंग में क्या होती है हमारी मोटर इसमें रन होती है, फिर कुछ समय के बाद जैसे हमारे नीचे टाइमर लग रहा है टाइमर स्टार्ट हो जाता है इस कॉन्ट्रेक्टर के साथ में और टाइमर थोड़े समय जैसे हमने 10 सेकंड सेट कर रखा है तो 10 सेकंड के बाद हमारा ये कॉन्ट्रेक्टर ऑफ होकर हमारा ये कॉन्ट्रेक्टर स्टार्ट हो जाएगा जो कि डेल्टा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कॉन्ट्रेक्टर एक कॉन्ट्रेक्टर तो हमेशा कंटिन्यू ऑन ही रहता है जो कि मेन कॉन्ट्रेक्टर होता है। तो दोस्तों हमारी प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा कॉन्ट्रेक्टर ये स्टार्ट हो गया, स्टार कॉन्ट्रेक्टर स्टार्ट हो गया पर कुछ समय के बाद जब हमारा ये कॉन्ट्रेक्टर स्टार्ट होगा जो कि डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर है ये स्टार्ट नहीं होता और हमारी मोटर इंस्टेंट ट्रिप हो जाती है। तो दोस्तों वो क्या प्रॉब्लम आती है और उससे कैसे सॉल्यूशन करते हैं हमको उसको लिए चेक करना पड़ेगा कि हमने जो मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर बना रखा है वो बिल्कुल सही है नहीं है। तो दोस्तों हमारी जो मोटर के 6 वायर आते हैं वो 6 वायर को हमको चेक करना पड़ेगा। तो अभी इसके अंदर हमारे जो मोटर के 6 वायर आ रहे हैं वो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 वायर आ रहे हैं। ठीक है, 6 वायर दिख रहे हैं आपको इधर के 6 वायर हमारे कॉन्ट्रेक्टर में जो लग रहा है ये 6 वायर है। इसके अलावा दोस्तों इसके पीछे जो है यहाँ पे पीछे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पीछे भी और इसके साथ में लूप लगा रखी है ये हमारा इस स्टार कॉन्ट्रेक्टर के लिए आ रहे होंगे। तो हमको इससे कोई भी मतलब नहीं है, इस कॉन्ट्रेक्टर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जिस पत्ती जिस पे हमारे पत्ती लग रही है यानी जिस पे हमारे जो शॉर्ट कर रखा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बाकी के जो दो कॉन्ट्रेक्टर इनसे मतलब है। तो इसके अंदर हम मल्टीमीटर चेक कर लेंगे, बहुत आसानी से चेक हो जाता है। तो मैं मल्टीमीटर की प्रोब लगा के चेक कर लूंगा कि हमारा जो है स्टार डेल्टा सही बन रहा है नहीं बन रहा। अभी हमारे पास में एक 60 HP की मोटर है तो इस मोटर का मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसे मेरे पास ये एक मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि हमारा स्टार डेल्टा मेरी मोटर का सही या नहीं है। तो इस मल्टीमीटर को मेरे को हमेशा जब भी मैं स्टार डेल्टा चेक करूं तो हम दो चीजों पे सेट कर सकते हैं, या तो मैं इसकी इसको बजर पे सेट करूंगा, ये बजर दिख रहा है इस बजर के साइन पे सेट करूंगा, या फिर मैं इसको रेजिस्टेंस पे चेक करूंगा। पर दोस्तों बजर पे सबसे सही रहेगा, आप बजर पे ही कीजिएगा, बहुत ईजी है। तो दोस्तों बजर पे मैंने इसको सेट कर दिया तो अब क्या होगा, जैसे अभी मैंने इसको बजर पे सेट कर रखा है तो बजर पे सेट करने के बाद दोस्तों ऐसा होता है जैसे मेरी ये दो फ्रॉग है जो मल्टीमीटर से आ रही है इन दोनों को जैसे ही मैं अड़ाता हूं तो ये मेरा मल्टीमीटर बीप आवाज करता है और यहाँ पे रीडिंग शो होती है। ठीक है, तो यही मेरे को देखना है। अब मेरे को क्या करना है दोस्तों, हमारी जो मोटर होती है उस मोटर के अंदर क्या 6 वायर आ रहे होती है। मोटर की जो कनेक्शन प्लेट देखिए उस कनेक्शन प्लेट पे आपने देखा होगा 6 वायर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ये 6 वायर है। अब इस 6 वायर को हमको चेक करना है कि हमारे मोटर के अंदर जो कनेक्ट है वो सही है नहीं है। अब दोस्तों क्या होता है मैं आपको सबसे पहले एक बार यहाँ पे कॉपी पे बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी मोटर से आ रहे 6 वायर ऐसे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऐसे 6 वायर होंगे जैसे ये मोटर की नेम प्लेट कनेक्शन प्लेट। ठीक है, ऐसे 6 वायर है पर ये इंटरनली कैसे कनेक्ट होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये इंटरनली कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है, जैसे 1 ये 2 और ये मेरी मोटर की 3 वाइंडिंग। ठीक है, मोटर में 3 वाइंडिंग होती है और 3 वाइंडिंग के हो जाते हैं 6 वायर, जैसे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 6 वायर ऐसे यहाँ पे कनेक्शन प्लेट में आगे लग जाते हैं। जैसे ये लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ऐसे हमारे 6 वायर लग जाते हैं। तो हमारी जो मोटर है मोटर में जो है हम ऐसे मान लेते हैं कि हमारे ये 6 वायर ये हो गए। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6। अब हमको क्या करना है दोस्तों, मोटर कभी भी आपकी डेल्टा में नहीं कनेक्ट हो रही, यानी जब पहले स्टार कॉन्ट्रेक्ट लग गया फिर बाद में डेल्टा नहीं लग रहा तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि हमारी जैसे एक वाइंडिंग है इस वाइंडिंग को हमको कनेक्ट कैसे कराना पड़ता है। जैसे मैंने इधर आर फेज दे रखा है ना तो इधर मेरे को येलो फेज देना पड़ेगा, अगर मैंने इधर भी आर फेज दे दिया तो ये इधर भी आर हो गया, इधर भी आर हो गया, तो ये क्या हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट के केस में हमारी मोटर इंस्टेंट ट्रिप हो जाती है। तो हमको करना क्या पड़ता है, इधर मैंने आर फेज दे रखा है तो इधर मैं आर फेज की बजाय दूसरा कोई सा फेज दे सकता हूं। जैसे मैंने इधर दे दिया वाई फेज, येलो फेज दे दिया, इधर जैसे अब मेरी इस वाइंडिंग है ये दूसरी वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को अगर मैंने इधर येलो फेज दे दिया तो इधर मेरे को देना पड़ेगा इसको ब्लू फेज। ठीक है, यानी मेरे को इधर अलग फेज और इधर अलग फेज देना पड़ेगा, अगर मैंने सेम फेज दे दिया तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे ब्लू फेज तो मैं इधर दे दूंगा ब्लू फेज और इधर मैं दे दूंगा रेड फेज। तो दोस्तों अभी ये देखिए सब में अलग अलग फेज है, इसमें आर वाई है, इसमें रेड और येलो है, इसमें येलो और ब्लू है और इसमें ब्लू और रेड, यानी तीनों में अलग अलग फेज है। तो अब इसी चीज को हम इस जगह चेक करेंगे कि हमारा जो है फेज सीक्वेंस सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। सबसे पहले आपको मैं ऊपर दिखाने की कोशिश करूंगा, तो हमारा जो कॉन्ट्रेक्टर है इस कॉन्ट्रेक्टर में इधर सप्लाई आ रही है आर वाई बी। ठीक है, इसी तरह दोस्तों यहीं से लूप लग के इधर आर वाई बी इधर भी आ गई, तो हमारा ऊपर फर्स्ट लाइन वाइज ही है दोनों चीज के अंदर, आर वाई बी इधर ही है। तो अब मेरे को नीचे चेक करना है हमारा जो वायर जो कनेक्ट है वो बिल्कुल सही है नहीं है।
तो जैसे मैंने आपको बताया मल्टीमीटर को यहाँ पे बजर पे सेट करना है ताकि मैं इसको अड़ाऊँ और ये मेरा मल्टीमीटर रीडिंग शो करे। अब दोस्तों क्या करना है, जैसे मेरी मोटर के 6 वायर आ रहे हैं तो सबसे पहले इधर वाले किसी भी कॉन्ट्रेक्टर पे एक वायर पे हमको लगाना है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मेरे को पता है कि इसके अंदर तो मैंने ऊपर रेड फेस दे रखा है, आर वाई भी ऐसे दे रखा है, इधर आर फिर वाई, इधर भी आर दे रखा है, इधर भी वाई दे रखा है, इधर भी दे रखा है। तो दोस्तों इस मैंने लीड को इस पर लगाया वायर पे। अब जैसे मेरी मोटर होती है, इस मोटर के जैसे 6 वायर ये है तो इधर के 3 पे मैं एक एक करके प्रोग लगाऊंगा। इधर का पहले इस पे लगाया, अभी जैसे मैंने लगाया था तो मैं मानता हूँ इस पे लगाया, तो अब मैं क्या करूंगा इधर के जो 3 है 1 2 3 इस पे मैं लगाने की कोशिश करूंगा एक एक करके। तो जिसके अंदर बीप साउंड रहेगा, जैसे जैसे अगर इस पे मैंने एक प्रोग लगा रखी है, 1 प्रोग इस पे लगाई और 2nd प्रोग मैंने इस पे लगाई, ठीक है, तो मेरा बीप साउंड नहीं हुआ। दूसरी प्रोग मैंने वापस से फिर बाद में हटा के इस मैंने इस वाली पे लगाई तो मेरा बीप साउंड हुआ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर तो मैं रेड फेस दूंगा और इसके अंदर मैं दे दूंगा येलो फेस, ठीक है, तो मेरा फेस चेंज हो जाएगा। फिर दूसरी बार मैं इसके अंदर प्रोग लगाऊंगा और दूसरा फ्रॉग मैं इस पे लगाऊंगा, अगर मेरा बीप साउंड होता है तो इसके अंदर मैं अलग अलग फेज दूंगा, जैसे मैंने इस पे येलो दे दिया तो इसमें मैं दे दूंगा ब्लू फेज। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट इस पे लीड पे लगाया, अब मैं इधर के 3 में से एक एक करके तीनों पे लगाऊंगा। तो मैंने इस पे लगाया तो हमारा कोई भी बीप नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मतलब रेड फेस और रेड फेस सेम नहीं है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा येलो पे लगाया तो मतलब हमारी मोटर के जो वायर है, यानी ये हमारी जो मोटर के वायर है, ये दोनों एक वाइंडिंग है, ये इधर इधर वाली और ये वाली सेकंड नंबर की, तो ये दोनों एक वाइंडिंग है। तो इसके अंदर तो मैंने दे रखा रेड फेस और इसके अंदर मैंने येलो फेस दे रखा, तो बिल्कुल सही है, मोटर के अंदर 2 फेस चले गए। अब दूसरा बात, अब दूसरे के अंदर जाएंगे, इसके अंदर लगाएंगे, यानी फर्स्ट पे मैंने चेक कर लिया, अब सेकंड पे लगाने की कोशिश करता हूँ। सेकंड पे लगाए, अब इधर भी मैं एक एक करके तीनों पे लगाऊंगा। तो मैंने फर्स्ट इस पे लगाया, बिल्कुल बजर नहीं बज रहा है तो मतलब अलग अलग है, ठीक है। अब मैं इस पे लगाया तो भी देखा तो बजर नहीं बज रहा है, मतलब ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग अलग अलग है। अब इस पे लगाया थर्ड पे तो मतलब मेरा बजर बज रहा है, तो मेरा बजर बजने का मतलब ये है कि ये इधर येलो और इधर ये ब्लू, ये दोनों वाइंडिंग सेम है और इसके अंदर मैंने जो फेस दे रखा है दोनों में अलग अलग दे रखा है, जैसे इसमें मैंने येलो दे रखा है तो इसमें मैंने ब्लू दे रखा है, तो मतलब इस वाइंडिंग के अंदर भी मेरे 2 फेस हो गए, तो बिल्कुल सही है। अब जैसे ये ब्लू है, इस ब्लू के अंदर मैं तीनों को एक एक करके चेक कर लूंगा, इसके अंदर कोई बजर नहीं आ रहा, सेकंड में चेक कर लूंगा इसमें भी कोई मल्टीमीटर शो नहीं कर रहा, थर्ड में लगाता हूँ तो इसमें मल्टीमीटर शो कर रहा है। तो मतलब दोस्तों हमारा जो वाइंडिंग है वो बिल्कुल सही है, और हमारा अभी इस मोटर को अगर मैं स्टार करता हूँ तो मेरा स्टार पहले लगेगा फिर बाद में डेल्टा आराम से लग जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति अभी इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।